सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जल्द से आप तक पहुंच सके। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जी हाँ, इसलिए क्योंकि मैं नेपाल आ रखा हूँ, काठमांडू। जी हाँ, वैसे मैं अपने गाँव गया था रोल्पा, लेकिन आज काठमांडू आ रखा और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा कल का क्या पता मैं वीडियो बना पाऊँ या नहीं, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना ही देता हूँ। एक मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम है चित्रा। जी हाँ, और इसका थंबनेल देख के, इसका पोस्टर देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कुछ अलग स्टोरी होने वाली है। और इसका जो एक्टर है उनका नाम है अर्पण थापा, प्रमोद संतोष, मेनुका और शबेक्षा। जी हाँ, कल इसका ट्रेलर आया तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे रिएक्शन करूँ। तो मेरे काठमांडू में यहाँ पे रिलेटेड हैं सागर राय हैं और मेरी बहन है, तो मैं इनके घर पे रुका हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ तो क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। मेरे सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं चित्रा ऑफिशियल ट्रेलर। 1 2 3 एंड स्टार्ट। OSR Digital, entertaining the nation. ऑर्गेनाइजर काफी जुड़ने लगे नेपाली फिल्म के साथ। तो भाई को छोरी को नया करामत हेर्नुस् त, बहुत पुराने कलाकार हैं। यसरी पनि कसैले कसैलाई पिट्छ? मारा हुआ थप्पड़ के निशान है बच्चे पे यार। अब देखी फेसमा चोट लाग्ने गरी नानास। अच्छा, इसने मारा था लड़की ने? फादर एंड डॉटर, बेटी और बाप की स्टोरी है। स्टोरी कोले सुनाउनी डैड? बेटा हैव जी, मेरो डैड हैंडसम हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी त हेर्न पाउदैन नि मिस। हर इंसान के डैडी बहुत हैंडसम होते हैं। बूढ़ो पाई पड़ता क्या? खूब जाने हो बूढ़ी माँ। अब स्टोरी टाइम। इतना देश में होगा सुंदर राजकुमारी थी चित्रा। अच्छा, बच्चे का नाम चित्रा है। तुम लोग घर में निकालो भित्र आको हैन, तिमी बस म जान्छु। अच्छा, अपने बच्चे को लेके चला गया। संबंध को अर्थ नबुझ्ने शब्द को के बुझ्थ्यो र? मेरे ये सपना कहिले पूरा नहुने। आखिरमा हात पनि त्यही दियोले पोल्यो जसलाई हुरीबाट जोगाउन खोजेकी थिए। एकादेशमा एउटा राक्षस थियो, एक दिन त्यो राक्षसलाई पृथ्वी आउन मन लागेछ। अब यस्तो टाइममा तँले त साथ दिने हो। प्राण बसेछ चित्र टिममा, माया त सानो कुरा हो। तेरो जली रहेको चिताको कसम, तेरो अस्तु सेलाउनु भन्दा अगाडि त्यो फौजीको लाश जलाउँछु म। शान्ति सेनामा जानेहरू घाँटी सिकेर आउँछ भन्थे क्या रे? कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। त्यो केटी त के, त्यसको सुशान्त छेत्रीवाला पहना हुआ है। अच्छा, बड़ी भी होगी ये बच्ची। यदि कई भर चाड़ी मरी छु बाकी दोसर पनि मेरो कातर में लिख दिन छु। इसकी मम्मी के वजह से अलग हुए हैं। 12 जनवरी को रिलीज हो रही है, यानी कि अगले महीने। खत्म। इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। ट्रेलर यार अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, कुछ अलग स्टोरी। नहीं तो ज्यादातर लव स्टोरी मूवी बनती है लेकिन बाप बेटी के ऊपर जो है वो नहीं बनती जल्दी। तो ये नेपाली इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अलग कॉन्टेंट लेके आए, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। नहीं तो आपको पता ही है, लड़का लड़की बिछड़ गए, फिर लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, यही सब चलता रहता, उल्टे फुलटे चीजें। लेकिन ये कुछ अलग था। तो ये फिल्म जो है बाप और बेटी के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले एक फिल्म थी, उस फिल्म का मुझे नाम नहीं, वो भी बाप बेटी के ऊपर ही था, वो पुरानी फिल्म है। इसमें एक गाना था, छोरी मलाई भागी भागी ना सताओ तिमलाई बाबा को माया कति लाग्छ रे। इस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी। तो ये बाप बेटी के ऊपर ही थी फिल्म। तो ये भी कुछ उस तरीके की फिल्म है, जो कि उसकी जो माँ है लड़की की, उसके वजह से मतलब कि मतलब बिछड़ जाते हैं, तो वो अपनी बच्ची को लेके चला गया था। तो उसकी माँ तभी कह रही थी कि अगर मेरे मरते वक्त अगर कुछ चीजें भी रह गई हों, गलतियां, तो वो भी मेरे भाग्य में डाल देना। तो ये कुछ अलग स्टोरी थी। तो भाई ऐसा कंटेंट चाहिए। आज बता दूं कि बॉलीवुड में भी आजकल बाप बेटे के ऊपर फिल्में ज्यादा बन रही हैं। आप गदर देख लो, गदर 2,
जवान देख लो, और एक मूवी और आई थी वो भी बाप बेटे के ऊपर ही थी, है बॉलीवुड ही मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बताना कमेंट करके। तो भाई मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो चलो वीडियो काफी लंबी होगी, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का, और मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कमेंट इसको शेयर जरूर कर दें। और हाँ, मेरी वीडियोज लेट आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत खराब है और नेपाल में हम, यहाँ का मौसम शायद चेंज हो गया है इंडिया का और यहाँ का मौसम, अब कुछ घंटों में ही हम नेपाल पहुँच जाते हैं, तो यहाँ का हवा पानी अलग है, तो शायद इस वजह से हो, और मेरे से चला भी नहीं जा रहा है मैं आपको सच बताऊँ तो। फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कुछ व्लॉगिंग बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बौद्धा है, पशुपतिनाथ मंदिर, और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। जय नेपाल, जय भारत।